बच्चे की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्कूल मैनेजमेंट की होती है। हम स्कूल मैनेजमेंट को बच्चा हैंड ओवर करके आते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को। तो अगर उस स्कूल के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर बच्चे की हत्या कर दी जाती है, तो मैं शुरू से ये गुजारिश कर रहा हूँ सबसे कि उस स्कूल प्रबंधन से क्यों पूछताछ नहीं की जा रही है, क्यों स्कूल प्रबंधक, डायरेक्टर और जो प्रमोटर्स हैं उस स्कूल के, वो लोग क्यों नहीं इस चीज़ के लिए लायबल हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं उनसे सवाल किए जा रहे हैं। तो मेरी पहली जो पहला कारण है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का, वो यही है कि कोर्ट खुद इस मामले में इंटरवीन करे और दिशा निर्देश जारी करे कि इन लोगों को पहले अरेस्ट किया जाए, ताकि किसी तरह से भी जांच में कोई इन्फ्लुएंस ना आए। दूसरी बात, इस पूरे प्रक्रम में बीइंग अ पेरेंट मुझे बहुत सारे मिसलिंक्स दिखते हैं, जो अभी तक पुलिस बता रही है कि एक कंडक्टर पकड़ा गया है, उसने कन्फेस किया है। उसके अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो समझ में आ रही हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कंडक्टर पहले से प्रिपेयर्ड हो, पहले से उसके पास हथियार मौजूद हो, पहले से वो बच्चे के बाथरूम में मौजूद हो और वो बच्चे का की हत्या 10 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर दे, इस बर्बरता के साथ कर दे। इसलिए उसमें मैं चाहूँगा कि कोर्ट सीबीआई जांच के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोर्ट से कि वो सीबीआई की जांच को का परमिशन दे, ताकि इसकी पूरे मामले की इन डेप्थ जांच हो सके और कोई भी एक भी सच्चाई जो है, सच्चाई जो इस चीज़ से लिंक्ड है इस घटना से, उस पर से पर्दा उठ सके। ये घटना कहीं किसी देश के किसी कोने में कहीं पे भी ये रिपीट ना हो, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन उनको लगा रहा हूँ, प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ कि प्लीज़ इस मामले में इंटरवीन करें, ताकि इस पूरे मामले की मतलब निष्पक्ष और बिल्कुल बारीकी से जांच हो सके, ताकि कोई भी जो इसमें इन्वॉल्व आदमी है या कोई भी तथ्य जो छूट रहा है वो छूटना नहीं चाहिए।